जय जी जी जय जी, जमशेदपुर से एक खबर आ रही है। साक्ची में आज कोविड जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जहां लोगों को चलते फिरते लोगों को जांच किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है और किसके आदेश पे हो रहा है ये? जी देखिए, आपको बता दें, जमशेदपुर के साक्षी बाजार के पास आज कोरोना जांच कैंप लगाया गया है और पहले भी यहां पर कोरोना जांच कैंप लगाया गया था। डीसी साहब के आदेश पर ये कोरोना जांच कैंप लगाया जा रहा है। जो भी बाहर से हो, चाहे जमशेदपुर के जो भी लोग हो, बाजार के अंदर जा रहे हैं, उन लोगों का जाँच किया जा रहा है। बिना मास्क में जो दिख रहे हैं उनको रोका जा रहा है, उसके बाद जाँच किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, उसके बाद उनको छोड़ा जा रहा है। और आपको बता दें, मेन मुद्दा यह है, जब लोग बिना मास्क में आ रहे हैं तो पुलिस कर्मी को बुलाया गया है, पीसीआर 17 उनकी टीम जो है लोगों को रोक रही है, चाहे महिला हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो। तो पुलिस को साथ में एक महिला पुलिस भी होना चाहिए, मगर महिला पुलिस नहीं है, इसके कारण परेशानी हो रही है पुलिस कर्मी को। बहुत से लोग तो जांच करा रहे हैं, बहुत से लोग जैसे महिला है तो वो नहीं करा रही, चले जा रही है, पुलिस कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, महिला कांस्टेबल नहीं है साथ में, तो ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इनका, इन लोगों को। और टारगेट जो है लोगों का, वो टारगेट भी पूरा हो जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग अब जागरूक होते हैं, फिर मास्क हाथ में रहता, मास्क नहीं लगाते हैं, ये कहीं ना कहीं लोग गलती भी कर रहे हैं, सोच रहे कोरोना खत्म हो गया है, हम नहीं लगाएंगे मास्क, इस तरह का मामला आ रहा है सामने। जी इस जांच शिविर में टीकाकरण भी हो रहा था क्या? जी नहीं, ये सिर्फ कोरोना टेस्ट हो रहा है। और साथ ही साथ बता दें आपको, स्कूल कॉलेज के बच्चे भी दिख रहे हैं बिना मास्क में, उन लोगों को भी रोका जा रहा है। बाजार में जो लोग जा रहे हैं उन लोगों को रोक के टेस्ट किया जा रहा है, उसके बाद में नाम पता लिखा जा रहा है, उसके बाद उन लोगों को भेज दिया जा रहा है। जी जी धन्यवाद जयंत जी, खबर के लिए बने रहे जमशेदपुर से सोना न्यूज के लिए। कोरोना जांच का कैंप है जो डीसी साहब के द्वारा यहाँ पे साक्षी में लगाया गया है, और यहाँ पे जो लोग ज़्यादातर जो बिना मास्क के हैं उनका भी जांच हो रहा है, और जो मास्क पहने हैं उनका भी जांच हो रहा है। ज़्यादातर स्कूल कॉलेज के लड़के बिना मास्क के चल रहे हैं, उनका जांच हो रहा है कोरोना जांच आरटीपीसीआर। बाजार में तो लोग आ रहे बिना मास्क में, क्या कीजिएगा? हम जो बिना मास्क के, हम लोग उनका चेक करके उन्हें एक बार समझा दे रहे हैं कि मास्क पहन के चलिए, कोरोना फिर से बढ़ने लगा है, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आपस में यहाँ पे कभी कभी उनसे भैंसा भैंसी हो जाता है, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक थाना में बोले कि पीसीआर को बुलाया है, वो हम लोग हेल्प करते हैं टेस्ट कराने में, लोग ऐसे मानते नहीं है। लोग नहीं मानते हैं, बोलते कि कोरोना कहाँ है, ऐसे वैसे। हम लोग ठीक है, डबल वैक्सीन ले लिए है, दिख रहा है स्कूल के बच्चे लोग भी दिख रहे हैं बिना मास्क। हाँ, स्कूल कॉलेज के बच्चे ज्यादातर साक्षी घूम रहे हैं बिना मास्क का, उन्हें वो और उनको जब कुछ बोला जाता है तो वो बोलते हैं हम लोग डबल वैक्सीन हम लोग ले चुके हैं, हम लोग को कोरोना नहीं होगा, हम लोग जाँच नहीं कराएंगे। करा रहे हैं जाँच, कर रहे हैं। हाँ, जाँच करना जरूरी है, आदेश है, सबका जाँच करना है। कैसे हो रहा है जाँच, कैसे आ रहे हैं लोग? लोग यहाँ पे पीसीआर वाले खड़े हैं, पुलिस वाले, वो लोग जबरदस्ती जो बिना मास्क है उनको टेस्ट, उनका टेस्ट किया जा रहा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार, लैब टेक्नीशियन। जी हाँ, लेडीज मेंस और किड्स वेयर का एक्सक्लूसिव शोरूम जयशील गारमेंट्स, लेडीज मेंस एंड किड्स वेयर, हमसे सस्ता कोई नहीं, बैग 50% डिस्काउंट पर। साथ ही साथ यहाँ मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक डिजाइनों में स्लीप वेल मैट्रेस 10% के डिस्काउंट के साथ, कुछ नियम एवं शर्तों के साथ। साथ ही साथ पिल्लो, कुशन, बेड शीट, कम्बल, चादर की भरपूर रेंज मिलेगी आपको हमारे जयशील गारमेंट्स में। पता याद रखेंगे, फर्स्ट फ्लोर जयशील कॉम्प्लेक्स, न्यू बुंडू रोड, ओवर ब्रिज के सामने।